सो नेक्स्ट अपने को सैवंथ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 का, तो एक बार रीड करते हैं स्टेटमेंट। उन्होंने कहा इफ द टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। ओके, तो बेटे एक अपने को सिलेंडर है जिसके उपर की रखा गया एक कॉनिकल टॉप, तो कुछ इदा की गल। ठीक है, तो हूँ आप अगे रीड करते हैं। एक साइड पर आप पोर्शन बना लें सिलेंडरीकल पार्ट का, एक साइड पर बना लें है ना, एक साइड पर आप कोण की गल कर लेंगे। नीचे कोण बारे लिख दें उपर सिलेंडर। ओके, तो देखो जी उन्होंने कहा है इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ कॉनिकल पार्ट आर 2.1 सिलेंडरीकल पार्ट, सॉरी सिलेंडरीकल पार्ट दे अपन की दिते गए है जी हाइट दिती गई है वह कितनी दिती है। हाइट उन्होंने कहा है जी हैगी है 2.1 मीटर, एंड जिहड़ा अपने को डायमीटर दिता गया है डायमीटर कितना दिता है जी 4 मीटर। ओबियसली जेकर डायमीटर 4 है तो रेडियस अपने को कितना होएगा 2 मीटर है ना। ओके, हुण आपां अगे रीड करते हैं। उन्होंने कहा इफ द स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कैड़ी होंगी है बेटे जी कोण की टेढ़ी हाइट होंगी है, इसनों आप बोलते स्लैंट हाइट, याद ही होगा सारे दे जिसनों एल नाल रीप्रजेंट किया जाता है। इफ द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, ओके जी कोण की जी स्लैंट हाइट है वह कितनी दी गई है 2.8 मीटर। सो वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ कैनवस यूज फॉर मेकिंग टेंट। ओके, जो अगे आप करना है उसनों बाद पढ़ा, पहला इतों तक करिए भी एरिया। ठीक है, सो मैं इतने स्टार्ट कर देना नाल दी नाल रिक्वायर्ड एरिया। तो अपने को रिक्वायर्ड एरिया की रहेगा, सो रिक्वायर्ड एरिया इज, सो पहला तो बेटे अपने को आएगा जो आह कॉनिकल पोर्शन है इसका अपने को आएगा सी एस ए। सी एस ए तुम्हें पता लग ही गया होगा क्यों आएगा, क्योंकि जो आउटर आउटर बाउंड्री है अपने को उसनों आप करना पेंट करना कह लो ज कुछ भी कह लो भी आउटर पोर्शन बना आप। ठीक है ना, भी उसनों आप क्लोज नहीं करना नीचों। सो अपने को किन्ना आऊगा पाई आर एल, जब मैं इतने लिख दिना सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन। ठीक है, प्लस करांगे जी किस दे नाल, जो नीचे अपने को पोर्शन है नीचे तुसी आप देखो भी केड़ा पोर्शन अपने को इस तरीके। सो सारा बेटे अपने को की है ये सिलेंडर, सो अपने को सिलेंडर ला दें जी, नीचे वाला पोर्शन हो गया अपने को सिलेंडर। सो सिलेंडर का सी एस ए, सो मैं इतने लिख दिना सी एस ए ऑफ सिलेंडर। सो बहुत ईजी रहेगा क्वेश्चन, तो चंगे तरीके करो। तो अपने को किन्ना आऊगा सी एस ए ऑफ कौन पाई आर एल, फॉर्मूले सारे क्लीयर होने चाहिए है। सी एस ए ऑफ सिलेंडर किन्ना आएगा 2πRH, तो बेटे कॉमन निकलता है कुछ, यस पाई आर, तो अंदर की बचेगा एल प्लस 2H। तो बेटे वैल्यूज पुट कर देने जी, पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू अपने को कितनी है, आर की वैल्यू हैगी है 2, एल की वैल्यू कितनी है 2.8, प्लस 2 टाइम्स एच की वैल्यू कितनी है 2.1। लो जी, तो इसनों आप कीता कि यह हो गया 44.7, 22 × 2 हो गया, एंड अंदर जो अपने को बनेगा 2.8 प्लस 4.2। सो इसनों फर्दर सॉल्व करते हैं, ये बन गया 44.7 इंटू इनू एड किया बनेगा 7, सो 7 × 7 गया। सो अपना रिक्वायर्ड एरिया कितना आया 44 मीटर स्क्वायर। डन हो गया जी इतों तक। हुण आपां क्वेश्चन नूं अगे पढ़ते हैं भी अगे वह की कह रहा है। सो अगे उन्होंने कहा है, वह कह रहे बेटे फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। ओके, कहिंदे भी जेकर 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपीस लग रहे है तो तुसी दसो भी टोटल कितना आएगा। सो अपने को 44 मीटर स्क्वायर है टोटल एरिया जिहड़ा भी अपना, तो मैं इत्थे लिख दिंदा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, तो बेटे किन्ना रुपीस 500 है ना, तो कॉस्ट ऑफ अपने को टोटल किन्ना हैगा गा, सो 44 मीटर स्क्वायर। सो इसका किन्ना आएगा 500 × 44, सो आंसर आएगा जी अपने को 22,000 रुपीस। डन हो गया जी।